देखिए पार्टी की ओर से जो शिविर हम लोग का हुआ था राजगीर में, वही हम लोगों ने तय किया था कि बिहार के युवाओं का एक बड़ा जमावड़ा पटना में लगाएंगे। युवाओं का जो अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए, जिससे उनका हर तरह से उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके, उनको हर तरह की सुविधा मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले, बाकी जो दूसरे सेंटिमेंटल चीज़ों को लोग ला करके युवाओं के मन में भर करके बिना कुछ किए वोट लेने की कोशिश करते हैं। अब युवा सिर्फ उस आधार पर वोट में या राजनीति करने वाले लोगों को मदद नहीं करे, बल्कि अपने हक अधिकार को पहचान कर और तब युवा भी संगठित हो और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का काम करे। तो इस विषय पर विमर्श के लिए हम लोग पटना में जनवरी के अंत में या फरवरी की शुरुआत में कार्यक्रम करेंगे, जिसकी तारीख बाद में तय करके हम बताएंगे। उपेंद्र जी, अल्पसंख्यक के लोगों के लिए छुट्टी बच्चों के लिए बढ़ा दी गई है, सरकार की क्या नीति है? देखिए सरकार की मंशा समझिए, कहीं से सरकार की मंशा शिक्षा में बेहतरी हो इस बात की नहीं है। इस निर्णय को लेते हुए छुट्टी कहीं बढ़ा देना घटा देना सिर्फ और सिर्फ इसमें इनकी मंशा है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जिस तरह से हम ठगते रहे हैं तो आगे भी हम ठग करके वोट ले लेंगे। अब दो दिन की छुट्टी बढ़ा देने से अल्पसंख्यक समाज के लोग खुश नहीं होने वाले। अल्पसंख्यक समाज के लोगों में भी यह बात गई है कि उनके बच्चों के लिए भी अच्छी तालीम चाहिए, उनके बच्चों को भी, उनके नौजवानों को भी रोजगार चाहिए, हर तरह से विकास उनका भी हो। इस विषय में क्योंकि वर्तमान राज्य की सरकार ने या पहले जो 15 साल वाले हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ डरा करके या कोई सेंटिमेंटल बात ला करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोट लोग हासिल करते रहे। अब सत्ता में बैठे हुए लोगों को यह बात भूल जाना चाहिए कि अब वह दिन गया जब सिर्फ कुछ छोटा मोटा सेंटिमेंटल डिसीजन करके लोग अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोट लेते रहे हैं। यह अब संभव नहीं है। दो दिन की छुट्टी देने से कोई बहुत खुश हो जाएंगे अल्पसंख्यक समाज के लोग, यह बात नहीं है। इसलिए कोशिश तो इनकी यही है कि दो दिन की छुट्टी बढ़ा दो, चर्चा हो जाए और सेंटीमेंट में आकर के मुसलमान भाई इनको बिना कुछ किए हुए जैसे वोट देते रहे यह कोशिश है, लेकिन इस कोशिश में ही सफल नहीं होने वाले। अच्छा उपेंद्र जी, शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। 2005 से पहले दलितों का उत्थान नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बातों को रखते हुए वेटनरी ग्राउंड में कहा था। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि परिवर्तन जो है वो काफ़ी चिंतित है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में जो आजकल दिख रहा है, कैसे देखते हैं? क्या सब कुछ ठीक है आज JDU के बीच? मैंने देखिए, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि JDU की बुनियाद ही वही थी जिस बात की चर्चा मुख्यमंत्री जी कर रहे थे वेटरनरी कॉलेज के मैदान में, उसी बुनियाद पर जनता दल यूनाइटेड खड़ा ही हुआ था। 2005 के पहले जो आतंक पाखंड पूरे बिहार में चल रहा था, उस आतंक पाखंड को हटाएंगे इसी के आधार पे JDU का निर्माण हुआ था। और दुख इस बात का है कि नीतीश जी फिर से बिहार को, जो लोग उस समय के आतंक पाखंड के जिम्मेवार थे उन्हीं के हाथ में सौंपने का निर्णय कर चुके हैं, तो नीतीश जी फिर से वही बिहार को ले जाना चाह रहे हैं। यह दुख की बात है, वरना नीतीश जी कह तो ठीक ही रहे हैं कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी, अब उसी स्थिति को नीतीश जी फिर से लाने में लग गए हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। नीतीश कुमार में जो परिवर्तन हुआ है, कि उपेंद्र कुशवाहा जी भी चिंतित हैं, क्योंकि शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि जितने पुराने साथी हैं सब चिंतित हैं, आजकल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झोंक में कुछ भी कह देते हैं। देखिए इस बात की चिंता तो मीडिया में व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, यह पक्ष अलग है, जो राजनीति से अलग का पक्ष है, व्यक्तिगत पक्ष है, पॉलिटिक्स का यह पक्ष नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा हम मीडिया में करें, जो राजनीतिक बात होगी उसकी चर्चा करेंगे, बाकी व्यक्तिगत किसी का जीवन है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। उपेंद्र जी, आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया है उसको कोर्ट ने चुनौती दी है। देखिए JDU और RJD के लोग तो शुरू से इस बात के प्रयास में हैं, इन लोगों की मंशा अब तक रही है,
कि आरक्षण का जो जहां से प्रस्ताव शुरू हुआ और जहां तक परिणति गई, इसमें कहीं कोई बाधा खड़ा करे ताकि हम इसी को इशू बनाकर जनता के बीच चले जाएं कि देखिए हम तो देना चाहते हैं। अब इन लोगों को कहीं मौका नहीं मिला। सभी पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी सहित विपक्ष में बड़ी पार्टी बीजेपी है हाउस में, सब लोगों ने मिलकर इसका समर्थन किया। जब बिल आया विधानसभा और विधान परिषद में, और महामहिम ने एक मिनट देर नहीं की, तुरंत सिग्नेचर कर दिया। तो अब इन लोगों को लग रहा है कि कहीं अवरोध आ ही नहीं रहा है, सब लोग सर्वसम्मत से इसको पारित हो दे रहे हैं, तो अवरोध नहीं आएगा तो जनता में कैसे हम जाकर कहेंगे कि हम तो करना चाहते, घड़ियाली आंसू बहाने की बात। तो इसलिए ये लोग तो चाहते ही थे कि कहीं ना कहीं कोई अवरोध पैदा करे। तो यह भी एक जांच का विषय है कि जो लोग भी कोर्ट गए हैं, कोर्ट ले जाने में इस विषय को कहां किनकी भूमिका है। हमको तो आशंका इस बात की है कि इसके पीछे बिहार में जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, वही लोग कहीं ना कहीं होंगे, ताकि कोर्ट के माध्यम से अगर कोई अवरोध होगा तो बदनाम करेंगे विरोधी को, लेकिन उसके पीछे जानबूझकर इन्हीं लोगों की कोई कोशिश होगी ताकि अवरोध हो और हमको मौका मिले जनता के बीच आंदोलन करने। तो इस बात की कोशिश हो सकती है और इसकी साजिश हमको तो लगता है कि ऐसा होगा।